कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए शासन के निर्देश पर लगाया गया कोरोना नाइट कर्फ्यू का असर शुक्रवार को भी देखने को मिला। महानगर के पार्क रोड, रेलवे स्टेशन रोड, यातायात चौराहा, गणेश चौराहा सहित विभिन्न चौराहों पर कोरोना नाइट कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिला। दुकानें बंद रहीं, लेकिन लोग बेफिक्र होकर घूमते नजर आए। गौरतलब है कि शासन के निर्देश पर रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन महानगर के बेखौफ नागरिक नाइट कर्फ्यू का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं और सड़कों पर तमाम भीड़ भी देखी जा सकती है। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से नाइट कर्फ्यू का पालन कराने में जुटी है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए 28 जगहों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस कर्फ्यू का पालन करवा रही है। सभी सीओ, एसएचओ तथा चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र से निकलकर कर्फ्यू का पालन करा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अपना सभी काम निपटा कर 9 बजे तक अपने घरों में चले जाएं तथा उसके पश्चात अगर कोई नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ दिखता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, लेकिन 9 बजे के पश्चात रात्रि कर्फ्यू है। इसके लिए हम लोगों ने 28 जगह बैरियर लगाए हैं। सीओ, एसएचओ और चौकी इंचार्जों की ड्यूटी लगाई गई है। सब लोग भ्रमणशील रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है अनावश्यक रूप से अगर उसके बाद दिखता है हमें, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है। हाँ, कल से आपका वीकेंड लॉकडाउन होगा, तो आज रात्रि 9 बजे से लेकर के मंडे की सुबह तक रहेगा ये। इससे जनता से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना निकले। कोरोना खतरा अभी टला नहीं है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। बेवजह घर से बाहर ना निकलें और दुकानें ना खुलें। जो आवश्यक वस्तु की दुकानें हैं सिर्फ वही खुले जाएंगे। उसके अतिरिक्त अगर कोई दुकान खुली मिलती है तो उसके विरुद्ध 188 IPC और महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा लिखा जाएगा।